सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये पृथ्वी के परिचय का पाठ 3 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए और समझिए। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर है। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट। अब ये 4 मिनट कैसे हो जाता है एक डिग्री देशांतर को पार करने में, तो आइए देखते हैं। व्याख्या भी दिया हुआ है, व्याख्या को गौर से जरूर पढ़िएगा। एक डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, ये देशांतर में होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है देशांतरी यामोत्तर है। प्रश्न कर रहा है कि देशांतरी यामोत्तर क्या है, तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देशांतरी यामोत्तर मुख्य यामोत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। अब ये कोणीय दूरी व्याख्या के अनुसार समझते हैं, तो ये रहा व्याख्या आप लोगों के सामने। व्याख्या है कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर घींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। पहला आंसर भी हो गया। ये प्रधान मध्यान रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर अंशों के रूप में मापी जाने वाली रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं पर लंब होती है। प्रधान मध्यान रेखा लंदन के उपनगर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में अर्थात पूर्व एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये अर्धवृत्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा 43 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान है। प्रश्न कह रहा है कि आइसोक्रोन वे रेखाएं होनी चाहिए जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जहां पर समान होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, जहां पर एक बिंदु से यात्रा काल समान होनी चाहिए। अब ये यात्रा काल क्या, आइए देखते हैं समझते हैं इससे व्याख्या से। व्याख्या है आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो एक बिंदु से यात्रा काल के समान है। ये रेखाएं समांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती है। एकदम आराम से समझिए दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेने का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वैसी रेखाएं कंटूर्स रेखाएं कहलाती है। अब ये कंटूर्स रेखा के बारे में कुछ जानते हैं। व्याख्या में देखिए दिया हुआ है शॉर्ट में कि कंटूर्स रेखाएं या समोच्च रेखाएं समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले निकटवर्ती स्थानों को मिलाती है, वही कंटूर्स रेखा कहलाती है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटूर रेखा का निम्नलिखित में कौन सा एक उदाहरण है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है कि कंटूर्स रेखा जो है वह स्थलाकृति मानचित्र का उदाहरण माना गया है, स्थलाकृतिक मानचित्र का। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या भी वही दिया हुआ है कि कंटूर्स रेखा स्थलाकृति मानचित्र का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा पर किसी स्थान का अक्षांश है। ऑप्शन चार दिए गए दोस्तों। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश सदैव 0 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर एक। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है, अतः विषुवत रेखा पर स्थित किसी अक्षांश का स्थान 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, तो दोस्तों विषुवत रेखा इन चार ऑप्शनों में से ब्राजील देश से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब ये विषुवत रेखा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए विषुवत रेखा ब्राजील से होकर तो गुजरती है,
वे देश जहां से होकर विषुवत रेखा गुजरती है वह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में गालापागोस द्वीप समूह जो यूएसए में है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, अफ्रीका महाद्वीप में गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया और एशिया महाद्वीप में यह इंडोनेशिया द्वीप समूह में घोकर गुजरती है। यह रेखा कौन सी रेखा दोस्तों? तो विषुवत रेखा। अफ्रीका में कहां से गुजरती है? गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। और अमेरिका महाद्वीप में गालापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर में कोलंबिया और ब्राजील। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि दोस्तों 12 घंटे की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यह हमारा सही आंसर हो गया। व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या है कि विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष रात और दिन बराबर होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पर पूरे वर्ष रात और दिन बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष भर लंबवत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानचित्र में रेखाएं जहां पर दाब सम हो क्या कहलाती है? इसको हिंदी में दोस्तों, मानचित्र में वे रेखाएं जहां पर दाब सम हो समदाब रेखाएं कहते हैं, लेकिन यहां पे इंग्लिश है तो इसके लिए इंग्लिश में इसे आइसोबार्स भी कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आइसोबार्स रेखाएं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां पर दाब सम हो समदाब रेखाएं या आइसोबार्स रेखाएं कहलाती है। हिंदी में देख लीजिए, व्याख्या में समान वायु दाब वाले स्थानों को, क्षेत्रों को मिलाकर घींची जाने वाली रेखाओं को समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। लॉन्गिट्यूडस देशांतर रेखाओं को वो लेटिट्यूडस अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों कि समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर घींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। अब व्याख्या देख लीजिए, नहीं समदाब रेखा वही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? तो दोस्तों आइसोहाइट रेखा नक्शे में सदैव सम वर्षा का संकेत करता है। सम वर्षा, आइसोहाइट रेखा नक्शे पर सदैव सम वर्षा का संकेत करता है। यही आपका आंसर हो गया, सम वर्षा, आइसोहाइट रेखा सम वर्षा, ऑप्शन नंबर सी में था। ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानचित्र पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए घींची गई रेखाएं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मानचित्र पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए घींची गई रेखाओं को समोच्च रेखा भी कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, जो बिल्कुल सही है। अब ये समोच्च रेखा की परिभाषा जान लेते हैं। तो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए घींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। समदाब रेखा वह रेखा होती है जो समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर घींची गई रेखा होती है, वह समदाब रेखा कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर होता है दोस्तों, जो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के सामने। देख लेते हैं अब भूमध्य रेखा के व्यास के साथ ध्रुवीय व्यास सभी जानते हैं। तो देखिए व्याख्या, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है तथा ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन हमेशा आंसर इसका याद रखिएगा, पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का क्षेत्रफल 51.1 करोड़ किलोमीटर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों,
इसका सही आंसर बताइए कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आइए इस 180 डिग्री ग्रीनविच के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं व्याख्या से। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच या प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायुयान तथा जलयान संचालित करने वाली कंपनियां अपनी यात्रा विवरण पुस्तिकाओं में अधिकांशतः ग्रीनविच समय का ही उल्लेख करती है। 180 डिग्री ग्रीनविच से तात्पर्य हमेशा दोस्तों याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। यह ग्रीनविच में स्थित है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां तो ये चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों होंगे। तो बी और सी हम पढ़ देते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां सभी अन्य मध्याओं से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। सी में है तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इस रेखा की पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने में एक दिन बढ़ जाता है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में एक दिन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे। इससे पहले देखिए क्वेश्चन हो चुका है कि एक दिन बढ़ जाता है या घट जाता है। तो इसमें आंसर है कि क्वेश्चन है कि एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब में एक दिन बढ़ जाता है। अब ये कैसे बढ़ता है देखिए आंसर में, व्याख्या समझ सकते हैं इसको। तिथियों की गणना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से की जाती है। शून्य से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर का समय एक दिन आगे होता है। अतः 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन बढ़ेगा जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में एक दिन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है जब एक जहाज दिनांक रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसे क्या होगा। आंसर में एक दिन की हानि होगी, एक दिन का लाभ होगा, क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा जब भी जहाज पश्चिम से पूरब की ओर पार करेगा तो उसे एक दिन का बेनिफिट या लाभ होगा, प्रॉफिट जिसे कहते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से प्रत्येक नए दिन की शुरुआत मानी जाती है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने में एक दिन बढ़ जाता है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में एक दिन कम हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, पृथ्वी तल पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन के लगभग समांतर होती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि पृथ्वी तल पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री मेरिडियन के लगभग समांतर होती है कहलाती है। सही आंसर हो गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर एक। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। ये रहा व्याख्या दोस्तों आप लोगों के सामने। 180 डिग्री मेरिडियन के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। इस रेखा को उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते समय स्थलीय भागों को छोड़ दिया गया है जिससे यह रेखा सीधी ना होकर कुछ स्थानों पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसे 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर दोस्तों गुजरती है। तो इसका आंसर पहले भी दे चुके हैं, एकदम इजी से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। यह प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए इस रेखा के बारे में कुछ जानकारी व्याख्या से लेते हैं। तो देखते हैं व्याख्या क्या है। ये रहा व्याख्या दोस्तों आप लोगों के सामने। व्याख्या को एक बार जरूर ध्यान से देखें।
देखिए व्याख्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये आपका क्वेश्चन था और आपका आंसर एक लाइन में हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए पृथ्वी का दिनांक निर्धारित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की दिशा में पार करने पर दिनांक में एक दिन प्लस हो जाता है और पश्चिम से पूर्व की अगर कोई आएगा तो वह एक दिन कम गिना जाएगा। यह रेखा स्थल पड़ने पर कई जगह मुड़ी हुई है। मैन इसका एक टॉपिक हो गया कि यदि कोई पूर्व से पश्चिम की दिशा में पार करेगा तो एक दिन जोड़ दिया जाता है तथा पश्चिम से पूर्व की अगर ओर अगर कोई पार करेगा तो एक दिन कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये रहा कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 49वीं समांतर रेखा, समांतर रेखा 49वीं हो गया, 38वीं हो गया, 39वीं हो गया, 42वीं हो गया वगैरह वगैरह है। यहाँ पे 49वीं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, USA और कनाडा। अब ये रेखा के बारे में कुछ दिया गया है, देखिए 49वीं समांतर रेखा अमेरिका व कनाडा के बीच की सीमा रेखा बनाती है। यह सीमा रेखा विश्व की सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कही जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर बराबर करते रहें। अपने घरों में सुरक्षित रहें, परिवारों के साथ मिलजुल कर रहें, वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए, अगले वीडियो तुरंत डालेंगे।